और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अनुज सोलंकी। अनुज थैंक यू सो मच, आपने पूछा बट आपने बोला हेलो अमित, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडिंग इन बेलफास्ट, विल अप्रिशिएट इफ आई कैन गेट 5 मिनट कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग दिस। तो प्लीज अनुज सोलंकी आप अपना प्लीज क्वेश्चन पूछो। तो मैं ऑलरेडी बेलफास्ट में हूँ तो मैं डेफिनेटली जितना हो सके ट्राई करूंगा। आप अपने इंस्टाग्राम पे इसी इंस्टाग्राम पे और जो भी आपको पूछना है वो आप पूछिए, और मैं अगले लाइव या जब भी अगला ऐसा Q&A सेशन करते हैं तो उसमें और अच्छे से अपन डिटेल में बात करते हैं। और उसके अलावा जल्दी से अगर मैं देखूँ कार्तिक थैंक यू सो मच कार्तिक थैंक यू सो मच, बट आपने कुछ पूछा नहीं है इसमें, आपने सिर्फ हाई लिख के हेलो लिख के भेजा है। और भी अगर आपको और भी जिसको जो भी डाउट्स हैं तो वो प्लीज़ पूछना चालू कर दो। और मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के ऐसा कर सकते हैं हर बार Q&A में कि इंस्टाग्राम के 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा और ऊपर करता हूँ, थोड़े इंस्टाग्राम के 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद लिंक्डइन पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं तो लिंक्डइन के भी 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि एक आया है CA मनमीत सिंह का, तो थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, थैंक यू सो मच, अपने असिस्टेंट मैनेजर हैं PwC में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। PwC तो ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है। आपने क्या बोला है, आई वॉज होपिंग इफ आई कुड पिक योर ब्रेन फॉर अ बिट, वो आपने बस इतना ही छोड़ के बोल दिया। तो प्लीज आगे का आप जो भी आपको पूछना है मनमीत सिंह, प्लीज आप पूछिए लिंक्डइन पे, और अगली बार जरूर से मैं आपको या तो वीडियो कॉल करूंगा, जब भी लाइव करूंगा तो अपन और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा एक और प्रेम सिंह शेखावत, थैंक यू सो मच प्रेम मैसेज करने के लिए। तो आपका मैसेज आया है, हेलो सर आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट माई करियर, कैन यू प्लीज गाइड मी, आई हैव सम डाउट्स, I have recently came across your channel and found very helpful. Thank you so much. Can you please help me figuring out things as I am second year BCom student from Mumbai and thinking about doing MSc in finance from Trinity College Dublin or LBS London Business School. Can you please suggest me what other courses should I do as of now which will help me later finding jobs in Ireland like FRM, CFA, GMAT, and also which country do you suggest for MSc in finance? आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा और US। तो ये बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा कंट्री अच्छा है, आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, US। तो सॉरी थोड़ा शोर हो रहा है वहाँ, बट चारों कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग है, तो आई थिंक आप लोगों को ये देखना चाहिए कि कहाँ पे आपको इजीली आप सेटल हो सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हो तो यू वुड वॉन्ट टू बी देयर एटलीस्ट फॉर 3-5 years फॉर लाइक मिनिमम टू get back whatever you spend in your tuition fees and everything। तो एक बार मैं इसका एक अलग सा वीडियो बनाता हूँ कि कौन से कंट्री में इन चारों में कितना ईजी है या डिफिकल्ट है सेटल होना। तो और उसके अलावा आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, तो आई थिंक CFA इज़ अ वेरी वेरी गुड कोर्स। CFA में आपको क्या होगा, जैसे FRM के थोड़े थोड़े मॉड्यूल CFA में भी रहते हैं, जो आप FRM लेवल 1 दोगे, और अगर आप ऑलरेडी CFA लेवल 1 दे के रखे हो तो FRM लेवल 1 कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा। जैसे डेरिवेटिव्स एक सब्जेक्ट होता है तो FRM में वो काफ़ी इन डेप्थ रहता है एटलीस्ट लेवल 1 में। तो डेफिनेटली आप CFA लेवल 1 दो और मुझे बताओ जब भी आप बुक कर रहे हो और जब भी आपका एग्जाम है, तो अपन और आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई एम ट्राइंग टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स, अभी आई थिंक 7,300 है बनके अभी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरा एम ये है कि दिसंबर तक, क्योंकि लास्ट दिसंबर तक मेरे हुए थे कुछ तो 1,000 के आसपास, तो अगर एक साल बाद अगर 10,000 हो जाए तो और अच्छा लगेगा। और आप लोग इंस्टाग्राम पे जो भी आपके डाउट्स हैं, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, आप कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। और मैं इस तरह से 3-4 क्वेश्चन ऊपर के इंस्टाग्राम से लेता हूँ, 3-4 क्वेश्चन लिंक्डइन से भी लेता हूँ। तो आप लोग जो भी आपको पूछना है आप मैसेज करना चालू करो, और मैं इस तरह से ये हफ्ते में 2-3 बार वीडियोज बनाना चालू करूंगा, क्योंकि लाइव आजकल कर नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे साढ़े दस बज रहा है तो इंडिया में अभी बज रहा होगा कुछ तो 3 बज रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम है, इस कारण से लाइव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट फ्री हो रहा हूँ आजकल। बट अपन इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं आप इंस्टा पे मैसेज करिए मुझे, और मैं 1-2 के अंदर उस पर वीडियो बना के आपको रिप्लाई करता हूँ। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।